लगा रोटी दे दे। अरे संजीव की बहू, अरे संजीव की बहू। कौन? मैं था सुशील। के काम है? थोड़ा सा आटा चाहिए था। आटा मारे ना है? दो रोटियों का आटा दे दो ना। मारे आटा ना है? तेरी दीदी बहुत बीमार है, कल का सही हो जाएगी। देखो कल की तो कल वाला जानेगा, पर जो से दो रोटी पो के दे दूंगा, शायद बिचारी कुछ भूख के मारू कुछ बीमार के मारू बहुत ज्यादा परेशान है। मारे ना है आटा? देख लो, होगा थोड़ा सा आटा दे दो, दो रोटी होगा। कल को मैं तुम्हारा जो है आटा कई मेहनत मजदूरी करके लाके दे दूंगा। कहीं और देखो जी आके। चलो खैर करता हूँ कहीं जुगा, और जगह जाता हूँ। कौन था? अरे वो था सुशील। फिर आटा मांगने आया। तूने बढ़िया करा। अरे तेरे घर पे वो दो रोटी मांगने के लिए आया, कुछ आस करके आया होगा और तूने उसे मना कर दी। अरे क्या पता किस रूप में वो तेरे पास आया था। अरे आदमी खाने से बड़ा नहीं होता, खाने से बड़ा होता है, और तूने उसे बेचारे को वापस कर दिया। अच्छा किया तूने, हद कर दी तूने बिल्कुल। सुशील, सुशील भाई, सुशील, सुशील भाई, भाई मैं तेरे लिए खाना ले आया, ले ले भाई खा ले। कोई बात नहीं, मैं तो बस 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 अब कुछ मत कहना मेरे भाई। अगर आज कल की औरत को इस बारे में पता होता कि भूख क्या चीज है, गरीबी क्या चीज है, तो बात ही क्या थी मेरे भाई। तू खाना खा ले भाई, मैं तेरे लिए लेकर आया। ले भाई, भाभी, भाभी, भाभी मैं खाना ले आपके लिए। भैया सुशील भाई खिला दे भाभी को खाना। देखो आदमी में और औरत में कितना फर्क हो। ठीक है भाई सुशील, अगर आज के बाद मेरी जरूरत पड़े मैं तैयार हूं भाई तेरे लिए हर चीज से। ठीक है भाभी, जय माता दी। भगवान ये दिन किसी को मत दिखा। अरे कहाँ गया भाई? आओ भाई, अरे फटाफट तोड़, रेडी की लत लग रही है। ले भाई तोड़ लिया इसका सामान। भाई जो कबाड़ा था मैं भी चुग सकूं? हां दीदी भाई, कल सब मुझे भी ले चला करेगा कि तू कबाड़ा चुगने के लिए? हां दीदी भाई तेरा आसान है बेटे, मेरा भी रोजगार चल जाएगा, मैं भी बहुत परेशान हूँ। ठीक है तो कल से चलेंगे? हाँ कल से चलेंगे। आ आ भाई आ। देख कल एक काम मिला, ठीक है आज काम पर जाऊंगा। परमात्मा ने चाही सहज सहज सारे काम होंगे, दो पैसे भी आओगे। डॉक्टर के गया, डॉक्टर ने भी मना कर दी गोली दवाई देने को। एक जगह आटा मांगने गया, उसने जाते ही आटे को मना कर दी। भला उस बेचारे संजीव का जो बेचारा देख दोनों को रोटी खुआ गया था। ऐसे आदमी भी बहुत भले इस संसार में मिले। एक भाई जो है कल मिला, वो लोग कहता जी मेरी गैल चल करो, ठीक है वो आज आने वाला ही हो रहा होगा। अरे कहाँ है भाई? आ जा भाई, आ जा, देख क्यों आ लिया वो भाई। कल तो नहीं कहता मैं भगत आजम्मा, अब लो तू यही बैठा भाई।
तेरी बाट देख रहा भाई मैं तो। अब चलन वाला चल तो चल देरी हो। मेरे नाम का पत्ता नहीं लाया। हाँ ला रखा ला दे मेरे नाम का तो बोले। चल भाई चल चल तो ले हम कुछ थोड़ा बहुत करके है रोटी आटी जोगा दवाई पवाई जोगा इतना आराम तक लौट जा तू ठीक है आराम तक लौट हर बब्बो का ध्यान रखिए ठीक है। आ लौट जा पल्ले पकड़ कट्टा ला भाई ला चल भाई पुराने कपड़े पहन लेते हो तो दो जोड़ी सही कपड़े रखे आपको लागे बड़ी अच्छी बात है भाई साहब। जा तो कोई बात नहीं हम तो पहन लेंगे 10 मिनट में पर नो पता नहीं घर यू है अग यू है भाई क्या है तो घर यू है तो यू है बढ़ ले दब बढ़ मामा मतलब साफ सुथरा ही है। अरे ले ले अरे कौन हो अरे कहां से आए हो भिखारी कहीं के तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी यहाँ बैठने की तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी घर में पढ़ने की सारा घर गंदा कर दिया। खड़े हो सब खड़े देख क्या ना खड़े हो तमीज नहीं है एक नाम की बिल्कुल भी। किसने बुलाया आपको खड़े हो जल्दी से। अरे क्या हुआ क्या हुआ मैंने बुलाया था इन लोगों को कुछ कपड़े देने थे मुझे नहीं मैं काम में व्यस्त हो गया याद नहीं रहा मुझे देने। अरे मैंने ही बुलाया था इन लोगों को कुछ कपड़े देने थे। देखो ना तो हम चोर हैं ना हम भिखारी हैं हम तो कबाड़ा चुन रहे थे ये कबाड़ा डालने गए थे वहां पर ये पैसे डालाए। पैसे 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 मेरे पैसे पैसे कूड़े में कैसे गए मैंने तो तुम्हें दिए थे पैसे। पैसे पैसे कैसे गए कूड़े में। हेलो हाँ मम्मी आपने आपके इस बार मुझे अच्छा सूट नहीं दिया ठीक है और बड़ी वाली बहन को आपने इतना अच्छा सूट दे दिया ठीक है उसको ही प्यार करते हो आप मुझे नहीं करते। अच्छा और बड़ी वाली दीदी गई। अच्छा अरे कुछ पैसे हैं इन्हें रख देना जरा अलमारी में। अच्छा ठीक है हाँ 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 ठीक है अगली बार से ध्यान रखना मम्मी ठीक है ना। हाँ और भाभी कैसी है। अच्छा नहीं
अच्छा नहीं हाँ एक मिनट सुनो ये लो डस्टबिन का कूड़ा ये बाहर दे जाओ एक बार ले जाओ ये और घेर के जल्दी आना ये लो जी अपने पैसे लो देखो हम गरीब जरूर हैं चोर नहीं है ठीक है जी आपने जो वहां से हमें धमकाया क्योंकि हम भी इंसान हैं हम देखो कहां कूड़ा पड़ता है वहां से ढूंढते हमें आपका घर तो पता नहीं था लेकिन ढूंढते पता नहीं कैसे कैसे करके गली में को नुक्कड़ से होते होते यहां तक पहुंचे हैं इसलिए अगर कोई गलती होगी हो तो देखिए हमें माफ कर गलती आपकी नहीं है नहीं। गलती हमारी है जो हमारी भूल से पैसे कूड़ेदान तक पहुंच गए और आप इतने महान हो क्या हम हमारे पैसे घर तक हमारे देने आए आप जैसे लोग तो मिलते भी नहीं है ढूंढने से भी नहीं मिलते और कोई होता तो पैसे वापस कभी नहीं देने आता और आप तो बहुत ही अच्छे हो जो हमारे घर तक हमारे पैसे वापस करने आए और आपकी ईमानदारी को देख के बस ऐसा लगता है कि दुनिया में आप जैसा कोई होगा भी नहीं आप जैसा अच्छा और आप जैसा ईमानदार सोनिया अरे मेरी लड्डू है ना अरे मेरे लड्डू बेटा मैं तेरे लिए खेल आया ले ये मेरे बेटा खतर तो ओहो ले पापा ले 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 भला उस आदमी का बेचारे का जिसने हमें हिल्ला दिखाया हिल्ले पर लगाया और आज जो है ये 50 रुपए का हिल्ला करके आया ठीक है इसमें दवाई भी आ जाएगी और आटा भी आ जाएगा ठीक और परमात्मा सुनेगा दिक्कत ना मानो सबकी सुने वो अरे हमें क्या पता धरती पे इतने बढ़िया बढ़िया आदमी भी हैं बेचारे ने अपना भी काम चलाया और मेरा भी काम चलवाया भला हो भगवान ऐसे आदमी का ऐसा आदमी जुग जुग जिए है भाई कोई आ जाओ जी आ जाओ आया भाई मैं भाई ये मैंने कपड़ों का जिक्र करा था तो मैं देना है कल दिए नहीं गई अच्छा, जल्दबाजी में अच्छा, और कुछ भेंट लाया हम आपके लिए इसका भी तो नहीं थोड़े हैं वो तो ज्यादा थे लेकिन कुछ तो एक दोस्त की उससे मदद सोचोगे आपस में भाई उससे मदद कर रहा ना कोई बात नहीं इसकी कोई जरूरत ना कोई बात ना तुम्हारी भी कुछ परेशानी है कुछ नहीं वो तो है खैर आजकल इतने दुनिया में है नहीं ईमानदार जितना आप थे आप तो मेरा पूछिए और कोई होता तो वो भी नहीं मिलते तो उसके लिए कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले ये मैं अपनी तरफ से भेज दिया आपने भाई ठीक भाई और जो मदद हो मैं काबिल हूँ जब मर्जी जब रात को याद करो आपके लिए दरवाजे ठीक है ले भाई सोनी जब परमात्मा दे तो चारों ढबते दे देख ये हमारी ईमानदारी का फल है अगर हम ईमानदार ना होते तो ये हमें कोई नहीं देता ठीक है ये हमारी ईमानदारी का फल है इसलिए इंसान अपनी गरीबी में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए ईमानदारी दिखानी चाहिए हमेशा जितने ईमानदार रहेंगे उतना ही परमात्मा भला करेगा देखा दोस्तों इनके जैसा होना तो धरती पर मुश्किल है ऐसा इंसान नमस्कार दोस्तों वाकई सही कह रही है नैना जी कि ऐसे लोग तो आजकल धरती पर है ही नहीं अगर ऐसे लोग धरती पर हैं तो वाकई इंसानियत जिंदा है तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक भी जय हिंद जय भारत घंटी जरूर बजाना और हमारी ये शॉर्ट मूवी गरीब की ईमानदारी